वेलकम टू माई ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि ऑयलिंग पे वीडियो बनाओ, स्लीक कॉम्बिंग, लाइस कॉम्बिंग, मतलब जब भी आपकी प्रॉब्लम होती है यही रहती है कि बस वीडियो में कॉम्बिंग करते रहो, बाकी किसी भी टॉपिक पे वीडियो मत बनाओ, बस कॉम्बिंग कॉम्बिंग कॉम्बिंग। तो इतनी ज्यादा कॉम्बिंग भी डेली नहीं हो सकती है, क्योंकि वीडियो के बीच में बालों को सुलझाने के बाद ही होम रेमेडी को यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे बाल कॉम्ब नहीं है, बिना कॉम्ब किए हुए बालों में मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूं कि मुझे खुद कितना हेयरफॉल है, हेयरफॉल कंट्रोल है भी या नहीं। तो आज इस वीडियो में बस मैं बालों को कॉम्ब करने वाली हूं। उसके बाद एक चोटी की भी रिक्वेस्ट है आप लोगों की, तो चोटी भी हो जाएगी और ऑयलिंग भी चलो आज करते हैं, क्योंकि मौसम आज का अच्छा है। तो आज कोई रेमेडी यूज ना करके ऑयलिंग करते हैं। अगर बात करें ऑयल की, तो जो आपके पास हो, मतलब जो भी ऑयल से आप कॉम्बिंग करना चाहते हैं इस टाइम आप कर सकते हैं। मैंने आज इस्तेमाल फिर से किया है कैस्टर ऑयल, क्योंकि कैस्टर ऑयल मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। आपके पास जो भी ऑयल हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कैस्टर ऑयल यूज किया है तो आप भी कैस्टर ऑयल ही लेंगे। आप मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, कोई और ऑयल आप यूज कर रहे हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना है अपने बालों को कॉम्ब। किया नहीं है, रात भर के बाल ऐसे ही हैं। मैंने कॉम्ब भी बारीक दांते वाला इस्तेमाल कर रही हूं, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि इससे कितनी देर में कॉम्बिंग होती है और कितना हेयर फॉल मुझे होता है। मैं हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करके ही अपने बालों को कॉम्ब करती हूं। ज्यादा सर्दियों में ज्यादा ऑयल हम यूज भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब सर्दियां ज्यादा होती हैं तो हमें सर पे कैप लगाना होता है, और उस कंडीशन में अगर हम हैवी ऑयलिंग कर लेंगे तो या तो साथ के साथ हमें अपना हेयर वॉश करना होगा, या फिर हमें लिमिटेड ऑयल लगाना होगा, या फिर सर पे कैप की जगह कुछ बेकार स्कार्फ, पॉलिथीन, या फिर आपको किसी कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी आपकी हैवी ऑयलिंग रुक सकती है। तो मैंने अच्छे से अपने बालों को डिटेंगल कर लिया है। जिन लोगों का वहम रहता है कि हेयर फॉल कभी भी नहीं रुकेगा, तो ये है मेरा हेयर फॉल। तो क्या आप इन बालों को हेयर फॉल का नाम देंगे? मेहनत आप खुद नहीं करते हैं। अगर आप चीजों को सही वे में अपने स्कैल्प पे यूज करें तो यकीन मानो सिर्फ इतने ही बाल आपको डेली के निकलेंगे। और मैं आपको सच बताऊं, 24 घंटे से ज्यादा मुझे कॉम्बिंग किए हुए हो गया है, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा थी, सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए कैप लगाने के बाद मैंने बालों को कॉम्ब नहीं किया। तो 24 घंटे से ज्यादा मुझे हो गए हैं, उसके बाद कैप लगाने के बाद इतना मुझे हेयर फॉल है। तब आप खुद आइडिया लगा लीजिए, अगर आप नेचुरल चीजों को सही वे में यूज करते हैं तो आपको भी सिर्फ इतना ही हेयर फॉल होगा, फिर इससे ज्यादा आपके भी बाल नहीं निकलेंगे। देखिए, बहुत लोगों को ऑयलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट यूज करते हैं, या फिर जिन्होंने स्मूथनिंग, रिबॉन्डिंग वगैरह करा रखी होती है तो वो तो ऑयल वैसे भी अपने बालों में नहीं लगाते। आप भले ही ऑयलिंग अपने बालों में ना लगाएं, लेकिन इस तरीके से अपने स्कैल्प की मसाज जरूर करें। डेली 10 से 15 मिनट अपने स्कैल्प को जरूर दें। इससे क्या होता है, हमारे स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ा रहता है, मतलब नॉर्मल रहता है। जब हमारी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है तो हमारी हेयर ग्रोथ भी अच्छी रहती है, हमारा हेयर फॉल भी नॉर्मल रहता है। जब हम रेमेडीज यूज करते रहते हैं और इस तरीके से मसाज करते रहते हैं, दिन में टाइम नहीं लगता, रात को सोने से पहले कर ले, किसी के सर में पेन है उसमें भी राहत मिलेगा और आपको वैसे भी नॉर्मली बहुत रिलीफ मिलेगा इस तरीके से स्कैल्प पे मसाज करने से। मुझे हैबिट है इसलिए मैं जरूर करती हूँ डेली।
मैं सर्दियों में कैस्टर ऑयल अपने बालों में ज्यादा से ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि कैस्टर ऑयल का रिजल्ट बहुत अच्छा है। कैस्टर ऑयल हमारी हेयर ग्रोथ को मजबूत बनाता है और हमारी हेयर ग्रोथ को डबल भी करता है। और सबसे बड़ी बात कि कैस्टर ऑयल को हम सर्दियों में ही यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा थिक ऑयल है, तो गर्मियों में लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत ही ज्यादा चिपचिपा हमारा स्कैल्प हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मतलब बाल हैवी हो जाएंगे। तो विंटर्स में तो यूज कर लेते हैं लेकिन समर में यूज कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए समर के लिए मैं अपने ऑयल चेंज कर देती हूँ और विंटर में इन्हें यूज करती हूँ। तो थिक ऑयल की वजह से मैं सर्दियों में ज्यादा से ज्यादा कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम उठा लिया या फिर 100 ml उठा लिया या फिर 500 ml उठा लिया, ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत है। जो आप रिक्वेस्ट भेजते हैं 500 ml पे वीडियो, 100 ml पे वीडियो, इन चीजों को मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ, बार बार इन्हीं चीजों को क्लियर नहीं कर सकती कि चीजों को उतना यूज करो जितनी हमें जरूरत है। अनलिमिटेड चीजों को यूज करके कोई फायदा नहीं है। चैनल को चलाने के लिए लगभग 100 ml डाल रहे हैं, 500 ml डाल रहे हैं, 1000 ml तक यूज कर रहे हैं ऑयल, उसका फायदा क्या है? सिर्फ नुकसान है, बेनिफिट कुछ भी नहीं है और बर्बादी है। तो चीजों की बर्बादी ना करें, चीजों को सिर्फ इतना यूज करें जितना हमारे लिए सफिशियंट है। तो इसीलिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इतना ज्यादा ऑयल बालों में भर लो, 500 ml की बोतल खत्म कर दो या फिर 1000 ml की बोतल खत्म कर दो। नो, जितनी चीजें जरूरी है उतनी ही चीजें शेयर करूंगी, चीजें वो बताओ जिससे लोगों तक सही जानकारी जाए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी फेंक रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, बस वीडियो चलने से मतलब है, भले ही लोगों को उसका रिजल्ट मिले या ना मिले। इसलिए प्लीज आगे से आप कभी भी नहीं बोलेंगे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कि 500 ml पे बनाइए, 700 ml पे बनाइए, 1000 ml पे बनाइए, तो बिल्कुल भी मत बोलना आगे से, क्योंकि मैं ये रिक्वेस्ट आगे से आपकी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। और स्लीक कॉम्बिंग पे भी ये वीडियो लास्ट होगी क्योंकि पहले भी मैं काफी सारे वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुकी हूँ जो स्लीक कॉम्बिंग से रिलेटेड है। जो लोग बोलते हैं 500-700 ml पे वीडियो बनाइए, अब देखिए मैंने बिल्कुल लिमिटेड ऑयल लगाया है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे बालों में किस तरीके से ऑयल है। जब लिमिटेड ऑयल हमारे बालों में इतना ऊपर तक आ रहा है, अगर मैंने इसमें 500-700-1000 ml डाल दिया तो क्या होगा, तो आप देख सकते हैं। अच्छे से ऑयलिंग मेरे बालों में हो चुकी है और आप देख सकते हैं नॉर्मल ऑयलिंग भी बालों में किस तरीके से हेयर हो चुके हैं, कितनी ज्यादा ऑयलिंग मतलब कितना ज्यादा ऑयल शो हो रहा है बालों में। तो इस वहम को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि अब हेयर फॉल कभी भी नहीं रुकेगा या फिर हमारा हेयर फॉल तो रुकेगा ही नहीं। रेमेडीज बताते हैं लेकिन समझ नहीं आता कौन सी यूज करें, किस पे भरोसा करें और कौन सी रेमेडी अप्लाई करें जिससे हेयर फॉल रुकेगा। उसके बाद भी आपके माइंड में ये मिथ होते हैं कि नहीं हमारा हेयर फॉल नहीं रुकेगा, तो आप देख सकते हैं कि मैं भी कहीं डिफरेंट एरिया से नहीं आई हूँ। जब मेरा हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है तो आप लोगों का भी हो सकता है। पहली वीडियोज में मैंने ये तक भी बताया हुआ है कि मेरे हेयर कितने थे, मेरे हेयर कैसे थे, किस तरीके से मुझे कितना हेयर फॉल था और किस तरीके से मैंने कंट्रोल किया है। तो अगर आप भी चीजों को यूज करेंगे तो आपका भी हेयर फॉल 100% कंट्रोल हो जाएगा। तो इस वीडियो को रखेंगे इतना ही, और मैंने अपनी ब्रेड बना ली है, आप देख सकते हैं मेरी ब्रेड मतलब कितनी ज्यादा पतली है, कितनी ज्यादा विकार है ना। तो आप देख सकते हैं अभी छोटे हेयर है क्योंकि मैंने कटिंग करा दिया था, तो इस वजह से अभी मेरी ब्रेड बहुत ज्यादा छोटी है। आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी हेयर फॉल नहीं होगा। इस वीडियो को रखूंगी इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।